नमस्कार दोस्तों, हमें दीपक, आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। आज मैं आपको दिखाऊंगा खेत खलियान। आप लोगों को पता है कि जो हर के सरसों का तेल खाते हैं, क्योंकि अपने गांव में तो लोग जानते हैं, मगर सिटी, बड़ी बड़ी सिटी होती हैं जैसे देश विदेश, उन लोगों को नहीं पता होता है ये तेल सरसों का कहाँ से आता है। मैं आज उसी के बारे में आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये सुरक्षा कर रखे हैं खेत वाले, क्योंकि यहाँ बहुत सी गाय हैं, पशु हैं, जो मतलब नुकसान पहुंचाती रही हैं, उसके लिए मतलब तार वगैरह लगाए गए हैं। इधर देखिए, मैं आपको धीरे से, भैया आ जाइए जरा इधर से देखिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है जो सरसों होती है ओरिजिनल सरसों, क्योंकि आजकल जो सरसों का तेल है जो मार्केट में आता है वो बहुत मिलावटी आता है, क्योंकि वो खाने योग्य नहीं होता है। मगर शहर वाले शुद्ध तेल कहाँ खा पाते हैं, क्योंकि उन्हें तो मिलावटी मिलता है कि फैक्ट्रियों में मिलावटी मिलता है, मगर शुद्ध तेल तो गांव वाले ही खा पाते हैं। जो देखिए चारों तरफ, ये आप फूल देख रहे हैं, इसमें छोटी छोटी सरसों है, ये इसमें मतलब ये सरसों छोटी है, इसे अभी भी लोग इसे कड़री का साग खा बना के खाएंगे, और इसके साथ अगर बाजरे और मक्का की रोटी हो तो बहुत मस्त लगती है, बहुत सारी बीमारियां दूर करती है, ठंड में इसके बहुत से फायदा होते हैं। मगर क्योंकि आपको पता है जब ये बड़ी होगी तो इसमें कोसी आएंगी, कोसी में सरसों का दाना होगा, फिर ये लोग काटेंगे, फिर इसे काट के साफ करके इसे वहां ले जाएंगे मार्केट में, फिर इसकी सरसों स्पेलर से इसकी पिराई होगी, फिर इसमें तेल भी निकलेगा और खर भी निकलेगी। तेल हर के खाने में काम आएगा, खर इसकी जानवर लोग खाएंगे, भैंस वगैरह, तो इसमें डबल फायदा है। गांव वाले इसीलिए आनंद है गांव वालों का, क्योंकि जो गांव में रहते हैं उन्हें शुद्ध वातावरण मिलता है और शुद्ध आनंद है। इधर देखिए, आपको पता है शहर में कोरोना काल में सब लोग अपने अपने गांव में आए थे, क्योंकि वहां पर्यावरण नहीं था। गांव में आज भी पर्यावरण है, शुद्ध ऑक्सीजन है, क्योंकि वृक्ष लगाओ, पानी दो, क्योंकि वृक्ष हमारा कर्तव्य, वृक्ष बचाओ, पर्यावरण बचाओ। इसी श्रृंखला में इस खेत के जो मालिक हैं, मुझे वो मिल गए, उनसे पूछूंगा कि इस खेत में आपने कैसे इसकी बुवाई की। देखिए भैया, आप अपना शुभ नाम बताइए, क्या नाम है आपका? अमित। ये बताइए, आपने खेत मतलब तैयार होके कैसे बुवाई होती है, इसमें आप बीज कहाँ से लाते हैं? बीज बाजार से लाते हैं, मंडी से। बाजार से लाते हैं? जी, मंडी से लाते हैं। अच्छा, तो बाजार से लाते हो, फिर उसे बोते हो? बोते हैं। तो इसमें लोग कहते हैं इसका साग बनता है, साग भी इसका? हाँ, साग भी खाया जाता है इसका। कैसा लगता है खाने में? बिंदास लगता है। उसके साथ रोटी कौन काय की अच्छी लगती? चावल की। चावल की, और काय की होनी चाहिए? बाजरे की होती है। अच्छा, बाजरे की। और ये बताइए, मतलब अभी जो इतनी बड़ी है, फिर जब बड़ी होगी इसका तेल कैसे निकलेगा? बड़ी होगी, बड़ी हो जाएगी, फिर सूखेगी, इसके काटे काटा जाएगा, फिर ये काट के फिर मशीन में जाकर इसका दाना निकलता है। अच्छा, दाना, फिर क्या होगा इसका? इसका तेल निकलेगा। अच्छा, तेल के साथ साथ उसमें डबल भी लाभ है, खार भी निकलेगी इसकी। अच्छा भैया, बता रहे हैं कि इसमें डबल लाभ, डबल नहीं तिबल। देखिए, एक तो आपके लिए ये सरसों मतलब जब बड़ी होगी, ये सूखेगी, इसमें कोसी भी निकलेंगी, कोसी निकलने के बाद इसमें जो लकड़ी होगी वो आपके मतलब गांव में जो छप्पर वगैरह होती है, झोपड़ी बनती है, उसके भी में काम आएगी। फिर उसके लिए इसमें जो खर मिलेगी वो हर के लोग जानवर खाएंगे आपके, और फिर खर भी जानवर खाएंगे, और आप जब सुबह उठेंगे, जब खेत में हरियाली की तरफ देखेंगे, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा, चारों तरफ हरियाली हरियाली। अभी छोटी है, जब बड़ी होगी तो देखिए फूल, बहुत मस्त इसका नजारा आएगा। ऐसी जिंदगी आपको कहाँ मिलेगी? ये जिंदगी शहरों में नहीं मिलती है, एक गाँव में मिलती है। जैसे कोरोना काल में बहुत से लोग पैदल आए हुए हैं, सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से जाने कितने लोग मरे हैं, मगर वहाँ लोग, शहरों में पेड़ नहीं होते हैं क्योंकि प्रदूषण ज्यादा होता है, मगर गांव में आज भी पर्यावरण है। मान ली चारों तरफ दिखाई, चारों तरफ आपको पेड़ ही पेड़ दिखेंगे, इसीलिए कहते हैं शुद्ध वातावरण गांव में है। जो जिंदगी गांव में है वो बाहर नहीं है, क्योंकि शहरों के लोगों को यह नहीं पता है कि ये तेल कहाँ बनता है, कैसे निकलता है, एक गाँव में ही पता लगता है। क्योंकि कुछ गाँव वालों, शहर वालों को मेरे पास फोन आया था कि आप जो तेल हम सरसों के खाते हैं वो मुझे बताओ आप कहाँ से बनता है, कहाँ से नहीं, क्योंकि जो फैक्ट्रियों में बनता है वो केमिकल से बनता है, मिलावटी से बनता है, उसे खाने से आए दिन काफी लोग बीमार हो जाते हैं। मगर आज भी मिलावटी का कारोबार खूब चल रहा है धड़ल्ले से, मगर उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि नहीं मेरा लोग पैर पकड़ के घसीटेंगे, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं जानकारी, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि कहीं कहीं ये भी नहीं पता है कि जब मैं चावल खाता हूँ, राइस खाता हूँ, वो चावल कैसे बनता है, उसके बारे में मैं भी आपको दिखाऊंगा
आपने देखा जो सब्जी में आलू खाते हैं वो आलू तो आपको मार्केट मिल जाएंगे, वो नहीं मिलता होगा कि आलू नीचे जमीन के निकलते हैं या ऊपर, आलू नीचे निकलते हैं वो मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो हरियाली भरी है सरसों भरी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने हमें अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत